पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दोहराया है कि प्रदेश में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल तो वोटिंग के बाद आए हैं, लेकिन जनता अपना मन पहले ही बना चुकी थी और हमें इस बात का आभास था। लोकसभा चुनाव के नतीजों से भी जनता का रुझान स्पष्ट हो गया था, क्योंकि सभी लोकसभाओं में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा था और बीजेपी का काम हुआ था। यही स्थिति विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगी। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के पास चुनाव में कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि 10 साल सत्ता में रहते हुए उसने कोई काम नहीं किया, जबकि कांग्रेस अपने 10 साल के पुराने कार्यकाल के काम दिखाकर वोट मांग रही थी। हरियाणा कांग्रेस कार्यकाल के दौरान प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार देने, खिलाड़ियों के सम्मान और विकास के हर पैमाने पर नंबर वन था। बीजेपी ने उसे बेरोजगारी, अपराध, नशे, महंगाई और अत्याचार में नंबर वन बना दिया। बीजेपी ने पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाने से लेकर खेती की लागत तक को कई गुना बढ़ाया है। कांग्रेस कार्यकाल के दौरान ईंधन बहुत सस्ता था और खाद, बीज, दवाई समेत तमाम कृषि उपकरण टैक्स फ्री थे, लेकिन बीजेपी ने हर चीज पर टैक्स लगा दिया और वेट भी दोगुना कर डाला। जिस बीजेपी ने जनता को महंगाई की मार मारी, उसी बीजेपी को जनता ने वोट की चोट मारी है। बीजेपी अब कुछ भी दावे करती रहे, लेकिन प्रदेश में आने वाली सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। लगातार एक महीने से आप कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग पैसा खर्च रहे हैं, छत्तीसगढ़ी कि हरियाणा में आपकी बात बहुत सरकार। आप लोगों का खुद का असेसमेंट क्या कहता है? एग्जिट पोल से अलग आप लोग भी इतने सीनियर लीडर हैं, आप लोगों ने असेसमेंट किया होगा। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाए। कितनी सीटें आएंगी सर? नंबर बहुमत से बनाए, अच्छी बहुमत से बनाए। सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है हुड्डा जी, आप ये कह रहे हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बीजेपी ये दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, उनके दावे के पीछे क्या वजह मानते हैं आप? उसी ने तो खुद क्या क्या दावा करते हैं, तो लोकसभा में क्या क्या दावा करते हैं, हरियाणा में और नतीजा क्या हुआ? देखिए 10 लोकसभा के हमारी प्रारंभ के हल्के हैं, 10 की 10 में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है जो पीछे चुनाव हुए, और बीजेपी घटा 90 असेंबली क्षेत्र में, असेंबली के 90 के दबे में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है और बीजेपी घटा है। 60 संकेत लोगों ने दे रखा है कि अब की बात हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। सर नायब सैनी कौन होगा? सर सीएम कौन? नायब सैनी ये कह रहे हैं कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे उनके पास तमाम रिपोर्ट है कि जनता जवाब देगी और कांग्रेस कहेगी कि ईवीएम खराब है, सर इसको लेकर क्या कहेंगे? वो उनकी सोच है, हमारे को पूरा वो है और भारी बहुमत से मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा सवाल है। क्या सवाल नहीं है कांग्रेस में? इतना सवाल नहीं मुख्यमंत्री का, सवाल ये है कि विधायक विधायकों के मत जाने जाएंगे और हाईकमांड फैसला करेंगे, इसको फैसला होगा, सबको मान्य होगा। पिछले चुनावों के मुकाबले इस चुनाव में कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट, कौन से ऐसी जगह हैं, चाहे जीटी रोड बेल्ट की बात करें या फिर ये अपना जो अहिरवाल है इसकी बात करें, आपको लगता है कि सर कांग्रेस ने वहां भी अच्छा प्रदर्शन किया है जो आप लोग कॉन्फिडेंस? कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में अच्छा हुड्डा जी, वो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है जो कांग्रेस के समर्थन में लोगों ने वोट दिया है? आप कह रहे हैं वोट परसेंटेज बढ़ा है, वो सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आपके हरियाणा में कांग्रेस को वोट मिला है? 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस सरकार की उपलब्धियां और 14 से 24 तक बीजेपी और जेजेपी की सरकार थी, इनकी विफलताएं तो लोगों ने तोल के देख लिया। दोनों 10 साल कांग्रेस के, 10 साल इनके, और जो प्रदेश 2014 में अपने सरकार छपी कांग्रेस पार्टी ने, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, विद्युत देने में और खेल खिलाड़ियों नंबर एक था। आज 14 से 24 के बीच में हरियाणा नंबर एक हो गया, बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था चरमरा गई, यहां तक कि सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है उसने भी, केंद्र सरकार का है, उसने भी हरियाणा को असुरक्षित बताया। और खेल खिलाड़ी जो आप देखते हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हरियाणा का नाम दुनिया में रोशन किया, तो इस वास्ते वायदा कुछ किया, वायदा किया कि 2022 तक
किसानों की आमदनी दोगुनी कर रहे हैं। आमदनी तो हुई नहीं किसानों की, लेकिन लागत कई गुना बढ़ गई। याद करो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, एक एक गुना बढ़ गए। क्योंकि हरियाणा में ना तो खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक पे तो टैक्स था, और डीजल पे वैट कुल 9% की टैक्स था। अब डीजल पे वैट भी 18% हो गया, खाद में भी जीएसटी लग गया, कीटनाशक दवाई पर लागत तो बढ़ गई, आमदनी घट गई। इसी प्रकार से हमने कांग्रेस पार्टी ने 4,100,000 गज के पंप दिए शेड्यूल कास्ट को नौजवानों को मौका देंगे क्या? रवि भैया ऐसे फंसाते सर। मतलब किसान लंबे समय से पंजाब हरियाणा बॉर्डर बैठे हुए हैं, शंभू बॉर्डर पर किसानों की मांग केंद्र सरकार अभी तक नहीं पूरी कर पाई है। ये स्पेकुलेशन है कि किसान जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो उसके बाद किसान अपनी मांग को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली की सीमा तक पहुंच सकते हैं। किसानों के आंदोलन को क्या समर्थन कांग्रेस की आने वाली सरकार देगी? देखिए एमएसपी की लीगल गारंटी हरियाणा में देंगे, बाकी जहां सवाल है इस बात का, सब भी बैठे हैं जो पिछली सरकार ने जिस प्रकार से गठे खुलवाए, आज तक बीजेपी की वोट नहीं खुला था। हम ये प्रजातंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, वो पूछ सकते हैं। हाँ, कोई कानून हाथ में ले उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बाकी अपनी बात कह सकते हैं, आए कहीं भी कहें, उनका उनकी बात सुनवाई होनी चाहिए और बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। 14 और 19 के नतीजों में देखा था जो मौजूदा सरकार थी, बड़े बड़े मंत्री सबसे पहले हारे थे। इस बार की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें भी कई मंत्रियों पर जो मौजूदा सरकार है खतरा नजर आ रहा है हार का। अब तो मंत्री मंत्री की बात नहीं, मुख्यमंत्री की बात है। वो सीट भी आपको लग रहा है कि लाडवा भी लग रहा है कौन? एलनाबाद सीएम हार सकते हैं, नायब सिंह सैनी हार सकते हैं चुनाव। एलनाबाद अनिल बिज कह रहे हैं कि वो जाएंगे सीएम ऑफिस चुनाव जीत होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, क्या सर हरियाणा चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव? प्रजातंत्र भाई कोई भी कोई बात आप कह सकता है, आपको लोगों का अधिकार है, कहने का अधिकार है, आप उनको उनका अधिकार छीनना चाहते हो उदय सर हरियाणा चुनाव के नतीजों का असर आने वाले विधानसभा चुनाव पे आप पढ़ते हुए देख रहे हैं महाराष्ट्र या जाते हैं? देखो हर चुनाव में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर पड़ता है, प्रजातंत्र में हर चुनाव का, ये तो एक प्रदेश के चुनाव का है, एक सांसद के चुनाव का भी उसका भी असर पड़ता है। सर परसों वाली छांच रहे और बोलो सर के बाद आपको अब तो बंद कर दो यार, अब तो बातचीत हो रही है करीब, हम लोग बस आने दो। 30 एक हफ्ता दो दो बड़ी गुजरा 20 ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।